गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है शिक्षा न्यूज़ यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, हमारा डेली जो है न्यूज़पेपर का सेशन होता है हिंदी न्यूज़पेपर के साथ। फ्रेंड्स आ गए हैं, जो भी अभी तक चैनल के साथ नहीं जुड़ा है वो जल्दी से जल्दी जुड़ जाए। तो फिर स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, और जो हमारे नए साथी हैं वो चैनल को जो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबा दें। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। फिर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से बड़ी खबर आ रही है कि आज से दौड़ेंगे ऑटो रिक्शा टैक्सी जो हैं आज से दौड़ेंगे, और सरकार ने जो है इसको हरी झंडी दे दी है। सीटों पर बसों पर जो है 50% सवारियां ही बिठाने की जो है अनुमति होगी। फिलहाल नहीं चल पा रही थी पर्यावरण की जो बसें हैं अभी नहीं चल पा रही थी, अब जो है सरकार ने जो है बहुत बड़ा फैसला लिया है। ई रिक्शा की बात करें तो क्षमता 5 है, एंड ऑटो की बात करें तो 3 और 4 क्षमता, विक्रम की 7, टैक्सी कैब की 5, टैक्सी कैब 6 या 7, एंड टैक्सी टैक्सी मैक्स वाली जो होती है उसमें 8 से 9 बिठा सकते हैं, और बाकी बस में जो है सीटों की क्षमता के हिसाब से जो है 50% जो है सवारी बिठा सकते हैं। अगली खबर आ रही है 25 से शुरू होगी उड़ानें। यह फैसला आया है उड़ान मंत्री का, यह एयरलाइंस जो है अपनी उड़ान उड़ाने के लिए तैयार है। अब ये जो है 25 मई से जो है इन उड़ानें जो है शुरू हो सकती है। ऑड इवन व्यवस्था समाप्त, ऑड इवन व्यवस्था जो है वो समाप्त हो गई है, और ये जो चलाया था दून में जो है ऑड इवन व्यवस्था समाप्त हो गई है। उत्तराखंड सरकार ने दिक्कतों को लेकर जो है फैसला वापस लिया है। आठ नगर निगम क्षेत्र में बनाई गई थी ये व्यवस्था, वो जो है इसमें काफ़ी दिक्कत का सामना हो रहा है। अब ये जो फैसला जो है इसमें ये वापस ले लिया गया है, क्योंकि इसमें कोई तैयारी नहीं है, एकदम से उन्होंने उतार दिया है, अब ये फैसला वापस ले लिया है। उत्तराखंड में जो है 15 और कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं, अब इसमें प्रदेश में जो संख्या बढ़ के जो हो गई है 126 पहुंच गई है ये आंकड़ा बढ़कर। 20 साल बाद सबसे शक्तिशाली तूफान आने की दस्तक, 20 साल बाद जो है सबसे शक्तिशाली तूफान आने की जो है दस्तक दे रहा है, और ये जो है इसमें जो है बंगाल में 3 और उड़ीसा में जान गई है। यूपी की सीमा से लौटी कांग्रेस की सीआईसी बस, यूपी की सीमा से लौटी है और जो है कांग्रेस की सीआईसी बस। अगली खबर पे चलते हैं, अगली खबर में क्या बताया गया है, वार्षिक ताला तला सत्र शून्य करने का आदेश जारी, विरोध पर उतरे शिक्षक, विरोध पे जो है शिक्षक उतर गए हैं। कोविड-19 के चलते सरकार ने लिया था फैसला, कार्मिक विभाग ने जारी किया शनादेश, मतलब कोविड-19 के चक्कर में जो है सरकार ने जो है कटौती का कुछ मामला बोला था कि कुछ तो फिर, लेकिन जो है शिक्षक जो हैं वो विरोध पे उतर गए हैं। अगली खबर पर चलते हैं, मनरेगा की मजदूरी में 19 रुपये का जो है उनको बढ़ा दिया है, 19 रुपये जो है बढ़ा दी है मजदूरी। और पहले अब जो ये मजदूरी जो है 201 रुपये हो गई है। नर्सिंग के लिए 1 लाख की सब्सिडी, नर्सिंग के लिए जो है 1 लाख की सब्सिडी देने की बात की गई है। 1346 शिक्षकों को जो है प्रमोशन हो गया है, प्रमोशन कर दिया है 1346 पोस्ट का। 20 दिन में पूरी होगी अमन मीनिंग के खिलाफ जांच, 20 दिन में जो है पूरी होगी यह बोला गया है। नजियाबाद क्वारंटाइन अवधि पूरी होने पर विधायक साथियों समेत हुए खाना, होम क्वारंटाइन का उल्लेख पर सीएम सख्त, होम क्वारंटाइन पे अगर कि वो क्या उल्लेख किया तो सीएम ने जो है सख्त कार्रवाई करने के लिए बुलाया। प्रदेश में नई स्थिति को चुनौती की तरह ग्राम प्रधानों और स्थानीय कर्मचारी पर काम करने को बोला गया है। एक घंटे धूप में बैठकर पंचायत ने किया विरोध, वेतन कटने पर 19 विधायकों ने ही नहीं दी सहमति, कांग्रेस का खाता खाली।
नेपाल के नए नक्शे को दी सर्वाधिक मान्यता। मस्जिदों में लाउड स्पीकर के मामले में मांगी रिपोर्ट। मस्जिद में जो है लाउड स्पीकर के मामले में जो है रिपोर्ट मांगी है। भगवान तुलनाथ के कपाट जो हैं उनको खोल दिया गया है। 7 माह के मासूम का घर से अपहरण, ये खबर है यूपी से, उधम सिंह नगर से खबर है। पेट्रोल पंप के सामने मंगलवार को देर रात जो है घटना, वहाँ की जो है घटना है। 32 दिन बाद हरिद्वार में मिला कोरोना संक्रमित। 32 दिन बाद जो है हरिद्वार में भी जो है कोरोना संक्रमित मिल गया और इससे जो है अफड़ा तफड़ी मच गई है। बीएसएफ की नाका पार्टी पर आतंकी हमला, इससे जो है 2 जवान जो है वो शहीद हो गए। बोर्ड परीक्षाएं कराने के लिए लॉकडाउन से मिली छूट। लोग बोर्ड परीक्षाएं में कराने के लिए जो है लॉकडाउन से जो है छूट मिल गई है। केंद्रीय मंत्रालय जो है 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं के लिए जो है लॉकडाउन में छूट दे दी है। हर क्षेत्र को तरा राहत, सरकार निर्भरता घटेगी, ये बोला गया है। संकट में जो है पीएम मोदी कोविड-19 के बाद दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएगा भारत, ये बोला गया है। पिता को साइकिल पर बिठा बिहार पहुंची बेटी, जो है बहुत ही दुर्घनात वारदा है। और ये जो है पिता को साइकिल पर बिठाकर जो है बेटी जो है पहुंची बिहार, लोगों को जो है काफ़ी काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। MSME को सिर्फ मूलधन पर 1 साल में छूट, ब्याज देना होगा, यह बोला गया है। गारंटी योजना के नियम तय, मुद्दा एन लाभार्थी भी शामिल, यह बोला गया है कि 1 साल में तो छूट है लेकिन ब्याज देना होगा। 1.66 लाख करोड़ रुपए सरकार 4 साल की योजना के तहत। एनपीए खाते वालों को नहीं मिलेगा कर्ज, ये बोला गया है। एनपीए खाते वालों को जो है उनको कर्ज नहीं मिलेगा। और एनपीएफसी और एसडीएफसी के लिए नियम सरल, उनके लिए जो है नियम सरल है। 1400 कर्मचारियों को निकाला ओला ने। ओला ने जो है लॉकडाउन की मार जो है ओला को भी पड़ गई है, उन्होंने जो है 1400 कर्मचारियों को जो है नौकरी से निकाल दिया है। स्पोर्ट्स की खबर है, आईपीएल से भिड़ी उड़ान, आईपीएल से मिली उड़ान। हवाई सेवा शुरू होने पर उम्मीद, पर बोर्ड सितंबर अक्टूबर में तलाश रहा है T20 की संभावना। 29 मार्च से शुरू होने वाली थी लीग लेकिन कोविड-19 के चक्कर में जो है वो रुक गई। 190 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जमीन से टकराया तूफान। अमेरिका के सभी राज्यों ने अर्थव्यवस्था खोली, दुनिया में संक्रमित की जो है संख्या है वो 50 लाख के पार हो गई है। सर्वाधिक एक दिन में मिले 5,611 संक्रमित, 140 लोगों की जो है वो मौत हो गई है। अधिकतम 30 दिन में रेलवे टिकट एडवांस ले सकते हैं यात्री, ये बोला गया है पीयूष गोयल रेल मंत्री जी ने। मेगा क्वारंटाइन प्लान, 9,000 कमरे जो हैं चिन्हित हो गए हैं। दून पुलिस ने बनाई 15,000 प्रवासियों के लिए जो क्वारंटाइन तैयार करने की व्यवस्था।
कहीं सोशल डिस्टेंसिंग, एक मिनट फ्रेंड्स, कहीं कहीं सोशल डिस्टेंसिंग तो कहीं नियम तार तार। सैलून खुले पर बाल कटवाने लोग, सैलून में जो है बाल कटवाते लोग। प्रेमनगर के बाजार में उमड़ी भीड़, दुकान खुली तो भीड़ पहले जैसी। विक्रम बस सिटी चालक ने किया वाहन वाहन चलाने से इनकार। बस सिटी चालक ने जो है वाहन ना चलाने से इनकार कर दिया है, क्योंकि ई रिक्शा चलाने का निर्णय, क्योंकि उनको जो है कम सवारी पर जाना पड़ेगा, ये बोला गया है। जौलीग्रांट एयरपोर्ट में तैयार, हरी झंडी मिलने का इंतजार। जौलीग्रांट एयरपोर्ट में जो है विमान उड़ने के लिए तैयार हैं, बस जो है हरी झंडी मिलने से जो है उनका इंतजार है। पारा चढ़ते ही सूखने लगा नलों के हलक। पारा चढ़ते ही जो है नलों के सलक जो है वो सूखने लगे। निर्देशक ने भेजा निजी स्कूल का ब्यौरा। भारतीय मजदूर संघ ने मनाया मजदूर विरोधी दिवस। खाली प्लॉट में कार जो है वो खड़ी हुई और वहाँ जो है जल गई है। ये वारदात है कामली रोड स्थित प्लॉट के कूड़े में आग के चलते एक युवक सीसीटीवी कैमरे में कैद। रुई फैक्ट्री में लगी आग, हजारों का सामान जो है वो राख राख हो गया। उत्तराखंड में भी जो है आग जो है अब काफ़ी लग रही है। कल कल भी जो है एक फैक्ट्री में ऑयल फैक्ट्री में आग लगी है पटेल नगर में, और आज जो है कामरी रोड पे। सरकारी खाते से सवा सवा करोड़ रुपए निकालने की कोशिश। ये वारदात है लखनऊ में जो है 23 लाख, मुंबई शाखा में जो है 99 लाख का फर्जी चेक। एटीएम कार्ड से बदलकर 47,000 रुपये निकाले। बुजुर्ग महिला बुज सॉरी मसूरी में बुजुर्ग हत्याकांड का आरोपी गिरफ्तार। कैश पेमेंट पर सिलेंडर देने से मना कर रही है एजेंसियां। लास्ट खबर पे चलते हैं। खुद को निरंकर रखना होगा, जुट रहे हैं गायक। स्टूडियो बंद होने से कारण ज़्यादातर घर में ही तैयार कर रहे हैं नई नई जो है योजनाएं, वो घर पे ही तैयार कर रहे हैं रचनाएं सॉरी। हम तो चले गए स्वदेश तुम एक मिनट हम तो चले गए प्रदेश, तुम परदेशी हो गए। 2,303 मजदूरों को लेकर दो स्पेशल ट्रेन जो है बिहार के मनोहारी में जो है वो रवाना हो गई है। घर से मांगने पड़े टिकट के पैसे। रोडवेज बसों का संचालन की संभावनाएं कम। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये आज का जो है हिंदी न्यूज़पेपर था, 21 तारीख है यार, 21 मई, तो ये आज का न्यूज़पेपर था। आशा करता हूँ आपको ये न्यूज़पेपर अच्छा लगा, और इसमें जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी जो आपके जीके और करंट अफेयर के सेक्शन को जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं कल इस ऐसी वीडियो के साथ मिलते हैं। आप हमारा चैनल को जो है सब्सक्राइब करके रखें, शिक्षा नहीं यूट्यूब चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, और जो नए साथी हैं वो भी चैनल को जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। मिलते हैं और वीडियो के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, धन्यवाद।